विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी के नेतृत्व में प्रयागराज की महामंडलेश्वर कौशल्या नीलगिरी और जौनपुर से किन्नर कल्याणपुर की सदस्य काजल सोमवार को शहर के गोलघर मार्केट तथा बलदेव प्लाजा के व्यापारियों को गुलाब का फूल देकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों से वोट करने की अपील की और व्यापारियों से मिलकर अधिक से अधिक मतदान करने का अनुरोध किया, जिसके संबंध में महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी तथा किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड ने पूरे प्रदेश में मतदाता जागरूकता का अभियान चलाकर लोगों से अपने मतदान का प्रयोग करने की अपील किया है। हम सभी सनातन धर्म ध्वजा को बढ़ाने के लिए योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ गोरखपुर में हम सभी जिले के सभी लोगों को वोट करने की अपील कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान में मुख्य रूप से नंदिनी, नैना पांडे, शिल्पा जाधव, अनीता, रागनी, संजना, मेघा, सोफिया, काजल, मधु, जूली समेत अनेकों किन्नर शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जौनपुर से किन्नर कल्याणपुर की सदस्य काजल, प्रयागराज महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी तथा महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने कहा, हमारे योगी जी को जिताइए, टाइम से जाके पूरे परिवार और अगल बगल जितनी पड़ोसियां हैं सबको कहकर उनको जिताइए, क्योंकि बहुत कुछ है, सब में महिला सुरक्षा सब कुछ है और माफिया भी बंद हो गई है, बहुत सक्रिय पूरे परिवार के साथ योगी जी और हम किन्नरों का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के साथ है। योगी आदित्यनाथ बाबा की जय। मैं किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कंकेश्वरी कल्याण बोर्ड की सदस्य, हमारे साथ कौशल्या नंदगिरी कल्याण बोर्ड की सदस्य, प्रयागराज से पूजा मधु काजल काशी से हम आपके पास आए हैं, भारी मत वोटों से विजय बनाई है आप लोगों ने, योगी जी को फिर से हमारा विकास हो, फिर से यूपी में भगवान लहराइए, जो भगवान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ही वोट दीजिएगा, बीजेपी वाले ही बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं। हाँ मां नमस्ते बाबा जी, विजयी बनाए, मतदान करिएगा, समय निकाल के समय निकाल, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, माता रानी करे, बाबा भोलेनाथ करे, बाबा करे, ये मंडलेश्वर माता हमारे गुरु जी के बारे में कहेंगी, योगी जी के बारे में, बस यही है माता रानी करे, हमारे से मिलने वाले विजयी बनाना है, इलेक्शन है, आपका कीमती समय निकाल के वोट डालने आप लोग जाइएगा, हमारे सरकारी मतों से बाबा जी को विजयी बनाइएगा, योगी आदित्यनाथ अपने कीमती समय निकाल के आइएगा और मतदान करिए, विजय वोट बनाइए और भारतीय जनता पार्टी को विजय समय निकाल के योगी आदित्यनाथ बनाना है बाबा जी, पुराना दुकान है मेरा, ये हमारा पुराना दुकान है, आज से 98 से हरी मतों से विजय बनाना है बाबा जी का, माता रानी करे, महाकाल करे, विजय हो और आप लोग भी परिवार बने रहे, उनकी सरकार बने, बाबा योगी आदित्यनाथ बाबा जी की जय हो, सकल हर हर महादेव, नमः पति पार्वती हर काशी क्षेत्र से, मैं प्रदेश की पूरी जनता से ये अपील करती हूँ
मैं पूरे गोरखपुर की जनता से मैं ये अपील करती हूँ, काशी क्षेत्र की जनता से मैं ये अपील करती हूँ कि माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी को भारी मतों से विजयी बनाएं और कमल का बटन दबाएं। पहले मतदान, इसके बाद फिर जलपान। परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ बाबा की जी। जय श्री महाकाल। आज हमारे गोरखपुर की महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कंकेश्वरी नंदगिरी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ गोरखपुर आए हुए हैं और बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने इतना जागरूक वाले काम कर रही हैं। और हम यही कहना चाहती हूँ कि हम तो प्रयागराज की हूँ, प्रयागराज में जितना हो सका हम लोग ने पब्लिक को, जनता को जागरूक करें और वहाँ पर बहुत अच्छा वो है, बीजेपी सरकार के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव नज़रिया है। और मैं गोरखपुर में आई हूँ, गोरखपुर में भी हम लोग दुकान दुकान घर घर में जाके आम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि योगी सरकार में, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहुत देश के उन्नति के लिए और प्रदेश के उत्थान के लिए बहुत ऐसा काम हुआ है। आपको मैं शब्द में बता नहीं सकती हूँ, बहुत सारे काम है, जैसे महिलाओं के उत्थान के लिए काम है, किन्नरों के उत्थान के लिए काम है, आप रोड सड़कें देखिए, और माफिया के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े माफिया जो अपने को लगाते उनमें बुलडोजर चला हुआ है। तो ऐसे हमारे सरकार को हमारे किन्नर समाज दिल से स्वागत करता है और हमारे हमारे युवा साथियों के लिए भी उन्होंने काम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कि ऐसे सरकार को दिल से स्वागत करते हैं। और आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग कहना चाहते हैं कि भारी मतों से हमारे योगी आदित्यनाथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भारी मतों से जिताए। और यहाँ जितना भी है गोरखपुर के विधानसभा के सीट है, सभी में कमल के फूल खिलाइए और हमारे फिर से हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार हो। एक उनका नया नाम भी आया है, बुलडोजर बाबा। जी बुलडोजर बाबा, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने ऐसे माफिया के घरों में बुलडोजर चलाया है ताकि आज उनका नामो निशान नहीं है, वो लोग जेल के पीछे है। और माननीय आदित्यनाथ बाबा जी उनको उसी भाषा में समझाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अभी एक हमारा गाना बहुत हाईलाइट हुआ है, जो राम को ले आए हैं हम उनको ले आएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अब बिल्कुल हमारे यूपी में भगवा लहराने के लिए हम लोग आज ये जनसंपर्क काम कर रहे हैं हमारे कंकेश्वरी के नेतृत्व में। और बहुत खुशी के बाद है, यहाँ के पब्लिक में भी पॉजिटिव रुझाव देख रही हूँ और मैं ऐसे हमारे गोरखपुर वासियों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय श्री माता रामचंद्र जी की जय। हम लोगों ने हर जगह से घर घर पे प्रचार करके हो गया, अब गोरखपुर रह गई। तो हम जितने तीनों सदस्य कल्याण बोर्ड की, हम तीनों सदस्य हैं, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी कल्याण बोर्ड की सदस्य, प्रयागराज की कौशल्या नंदगिरी सदस्य भी है और हमारे किन्नर अखाड़ा की अध्यक्ष भी है। और हम आज दुकानों पे, गोलघर चेतना तिराए पे, विजय चौक पे, आज पिंक एंड ब्लू पे भी आई हम लोगों ने, हमारी बहन, इसको बहन बनाई हूँ दिल से, हम लोगों के आप ही लोग माँ बाप है, इनके भी दुकान पे आए हैं हम लोगों ने, इनको भी कहा अपने मूल्य समय जो है योगी जी पे दिखा करें और अपना मतदान करें। और इससे ज़्यादा मुझे क्या कहना है, और उनको भारी मत वोटों से जिताएँ। और ये रह गई काशी से मधु, बाकी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? 3 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को अपने काम हमेशा रह गई, जीवन जीवन तो संघर्ष है, बच्चे बीवी बहू बेटी सबको तो देखना है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा पर्व है, इसे हम जरूर उपयोग करें हमारा पर्व की जो है, जाकर योगी जी को भारी होटों से जिताएं हम लोगों ने, फिर से विकास करें। और घर घर पे हमारा दुआ यही रहेगी, बहु बच्चे बने रहें और मूल समय जो आपके है वो निकाल के, कुछ बेसी देरी नहीं लगेगी, आप टाइम निकाल के वोट डालें।